हाँ है नपो का थैली नाम तो हे गाइस गुड इवनिंग वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद आप सब ठीक होगे। तो अभी आज है फ्राइडे और टाइम शाम के एज यूजुअल 5 बज गए हैं। और आज एक्चुअल में खुशखबरी है गाइस कि तो भाई यहाँ पास में 20-25 किलोमीटर पे ही मंडी है संगरिया। संगरिया में आज खूब बारिश आई है तो उम्मीद है कि यहाँ भी आएगी। बादल तो बन रखे हैं पर बारिश आ जाए तो बहुत बढ़िया है। जैसी वहाँ पे आई है ना तो मौसम ठंडा हो जाएगा एक बार से। अगर ना भी आई तो संगरिया में बारिश का ये फ़ायदा है कि ठंडी हवा तो चलने लग जाएगी, नहीं तो वैसे तो बहुत गर्मी पड़ रही है। और ये देखो हमारा चुटकू सा मासी है, हैं रात को आ रहा है को बुखार हो गया भाई, इतना तपने लग गया ना ये एकदम से, पता ही नहीं क्या हुआ इसको, बुखार कैसे हो गया पता ही नहीं चला कुछ। तू ना कई दिन अब रोकी के साथ खेलने नहीं जाएगा, ठीक है ना? तो भाई ये रोकी के साथ खेलने के चक्कर में ना उसके पीछे पीछे भागता है और वहाँ एसी होता है, ठंडा होता है पूरा और पसीनो पसीनो होके एकदम से एसी में जाता है। शायद उसी के कारण दिक्कत आ गई इसको नहीं। और रात को खूब तप रहा था। तो गाइस देखो बादल तो आने लग गए, इधर ही है संगरिया जिधर बारिश हुई है ना, इधर से आ रहे हैं बादल। तेरे को क्या हो गया? अरे दिखाना बुखार तो नहीं हो गया दोबारा? बुखार तो नहीं है? तो गाइस देखो अभी अभी तो बढ़िया बैठा तो अभी सो गया। क्या हुआ लड्डे? ओए अरे क्या हुआ? मैं बोल भी नहीं रहा तेरी तो। क्या हुआ नींद आ रही है फिर? पर ये तो पता नहीं ऐसे उदास सा होके लेट गया, शायद कूलर चल रहा था ना तो कूलर की ठंडी हवा से इसको नींद आने लगी। अब देखता हूँ अगर ये सोना चाहता है ना तो इसको सोने दूंगा, क्योंकि रात को इसको बुखार था तो काफ़ी तंग हुआ था ये। अभी ना पहले मैं जो तीनों बर्तन है ना पंछियों वाले, उन बर्तनों को जो जितने जितने खाली हुए हैं उनको भर के आता हूँ और उनके आसपास ना गेहूँ रख के आता हूँ, क्योंकि जो पहले रख के आया था वो खा गए होंगे पंछी। तो गाइस ये वाला तो ज़्यादा खाली नहीं हुआ है तो ये तो एक डब्बे से ही भर जाएगा। लो ये तो भर गया। तो गाइस नीचे वाले पे तो डाल आया पानी, मैं अभी आया हूँ हमारे वाली छत पे। और हमारे वाली छत वाला ये देखो इतना खाली हो रखा है तो इसको भी भर देते हैं। तो गाइस अभी ना ये बेरी पे थोड़ी देर में बहुत सारी चिड़ियाँ आके बैठ जाएंगी तो ये अभी भरा होएगा ना तो जिसने पानी पीना होगा आराम से पी लेंगे। यही बेरी के बिल्कुल नज़दीक ही हो गया ये वाला बर्तन। तो अभी चलते हैं पीछे मम्मी और की छत पे। तो गाइस मैं आया हूँ ऊपर वाली छत पे, बिल्कुल मम्मी और की ऊपर वाली छत पे ना। तो वहाँ ना बर्तन के ना ऊपर गिलहरी बैठी है, वो देखो बैठी। अगर मैं आगे जाऊँगा ना तो ये ना भाग जाएगी, तो मैं धीरे से जाने की कोशिश करता हूँ। ओए वोरी 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 वो निकल गई वहाँ से, तो यहाँ बैठी थी आराम से इसके अंदर बैठी थी। तो गाइस ये वाला गेहूँ ना मैं रात को ही रख के गया था चारों तरफ, इसीलिए ख़त्म नहीं हुआ अभी तक। चलो कोई बात नहीं सुबह तक हो जाएगा, फिलहाल इसको तो भर देते हैं ठंडे पानी से। चलो और गाइस 6:15 बज गए और अभी भी देखो गर्मी काफ़ी है। इधर संगरिया है, इधर बारिश हुई है, इधर से बादल दिख तो रहे हैं पर बारिश का कोई आसार लग नहीं रहा। तो गाइस मेरे को ना 10 मिनट हो गए वेट करते को पर गिलहरी अभी तक आई नहीं। और अभी ना मैं नीचे जाता हूँ क्योंकि मैं यहाँ खड़ा रहूँगा ना तो फिर पंछी भी पानी पीने नहीं आएंगे। तो चलो चलते हैं नीचे। अरे जग गया? मम्मा का तो मेरे को फ़ोन आया था अभी, आ रहा है बुखार हो रखा है। चलते हैं अभी। अब कल तेरी तबीयत खराब सी, खराब थी ना, बाजार का कुछ खाएगा तो फिर ज्यादा ना खराब हो जाए। पिज्जा लेके आना है? लल्लू नहीं अभी तो कह रहा था पिज्जा खाना है, सैंडविच पिज्जा खाना है। वो जो मैगी कॉर्नर से लाते हैं अपने वही वाला खाना है तेरे को? तो चलो वो तो दिला लाता हूँ, उसमें तो क्या है फिर। तो गाइज अभी फ़िलहाल हमारे शहजादे की डिमांड आई है कि उसको सैंडविच पिज्ज़ा खाना है। पहले तो कह रहा था पिज्ज़ा पर वो भूल गया था मेरे ख्याल में, अब कह रहा है कि सैंडविच पिज्ज़ा खाना है, क्योंकि इसको पता है कि जब बीमार होता है ना तो इसकी मनचाही चीज़ इसको मिल जाती है, ला के देनी पड़ती है, क्या करें बच्चा है ना छोटा। चलो इसको ला देते हैं और मार्केट का चक्कर भी काट आते हैं।
एक पिज्जा सैंडविच, एक वाइट सॉस पास्ता पैक करने हैं। तो गाइस आर्या का पिज्जा सैंडविच और मीनू के लिए वाइट सॉस पास्ता लेके घर पे आ गए, और देखो अटैक करने को सारे तैयार बैठे हैं। A few moments later, क्या कुलदीप आंटी आई हो? ये हॉकिंग पन प्रैंक करें। आंटी आए कर ले, डांट पड़ेगी देख ले। तो देखना गाइस, कुलदीप आंटी कई दिन से आए नहीं थे, तो आज कई दिन बाद आए हैं। ये वेट कर रहा था कि वो आए तो मैं उनके साथ वो पेन वाला प्रैंक करूं। तो आज आंटी आए हैं, तो देखते हैं क्या करता है ये। नहीं आता नाम छपूगा, दूजा हाथ एवं रखो, थोड़ा नाम छपूगा। हाँ 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 नपोगे नाम छपूगा। कई कई दिन से वेट कर रहा था कि कुलदीप आंटी आए तो मैं प्रैंक करूं, पास हो गया। ना माऊ ने ज्यादा करंट लग जूगा। ना 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 ये कई दिन का वेट करी जाना, थोड़ा भी आओ तो मैं प्रैंक करा। पेन संभाल के रखा हुआ इसने, आंटी ने पता भी सीगा, फिर भी ना बैठी बेचारी। तो गाइस अभी खैर आए हैं अंदर मैं और आ रहा, क्योंकि कुलदीप आंटी भी तो प्रैंक पास हो गया ये वाला पेन वाला, पर उस दिन ना मीनू ने दबाया नहीं था इसको, तो हम इसीलिए अंदर आए हैं। अब मैं ना इसका एक सिस्टम ढूंढता हूँ कि मीनू से ना ये दबवा के रहना है, मीनू के साथ ये प्रैंक करके रहना है। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं अपने अंगूठे पे ना टेप लगा लेता हूँ, सेलो वाली ये वाली टेप लगाऊंगा मैं, और जब मैं दबाऊंगा तब मीनू को करंट, मेरे को करंट आएगा नहीं, तो मैं मीनू को बोल दूंगा कि इसकी ना बैटरी सी खत्म होगी, तो करंट बिल्कुल ही धीरे धीरे आ रहा है, बिल्कुल भी नहीं आ रहा। तो देखते हैं कि मीनू उसमें आती है कि नहीं और दबाती है कि नहीं। तो गाइज मैंने ना अपने अंगूठे पे टेप लगा ली, ये देखो। तो अब मैं इसको दबा के देखता हूँ करंट आता है कि नहीं। ना नहीं आया, तो अब चलते हैं मीनू के साथ करके देखते हैं, अगर पास होता है तो। वो छोटे सेल नहीं होंगे, वो पेंदे वो वीक हो गए, नप के देखा। अरे कुछ नहीं होंदा, ऐ की होंदा ले, तेरे सामने ही नपया, मेनू कितना झटका है, तू तो फिर जमे ही डरन लग जानी है। तो गाइस मीनू झांसे में आ गई। टेप लाई सी ता करंट नहीं। तो गाइस मीनू झांसे में आ गई, हमारे प्रैंक पास हो गया, आ रहा खुश हो गया। आरा खुश हो गया, मोए मोए हो गया मीनू साहब, मोए मोए। अब देखिए ओए आंटी ने नप्पे तो दो बार कर, आंटी नहीं आंदा का ना, अपन ही नप्पे, मजाक नहीं आ, देख मैं नप्पी ना तेरे सामने आ देख, अपन ही नप्पे। तो गाइस मीनू तो झांसे में आ गई, पर अभी नव नहीं आया, ये कहता मैं दबाऊंगा ही नहीं, तो प्रैंक तो लगभग पास हो गया। मेन तो मीनू को झांसे में लेना था, तो मज़ा आ गया। अभी तो फिलहाल ये देखो आर्या लेके बैठा है, कैरम लेके वेट कर रहा है कि अभी ना खाना खाए तो मैं खेलूं उसके साथ। कभी तो मैगी साथ खाता है, और ये देखो कभी मैगी साथ रोटी खाने लग जाता है, आज पास्ते साथ खा रहा है रोटी, देखना इसके भी नए सिस्टम हैं। तो गाइज अभी फिलहाल डिनर आ गया हमारा, मैं खा रहा हूँ दाल सिंपल रोटी और साथ में प्याज नींबू लगा के, मज़ा आ जाता खाने का। और आज हमारे शहजादे ने बनवाया आलू का परोंठा दही के साथ, तो अभी डिनर करते हैं। तो गाइज अभी फ़िलहाल डिनर कर लिया हमने, और उसके बाद एज यूजुअल आपको पता ही है, तो अभी तो खैर इस व्लॉग का एंड करते हैं गाइज। आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक करके जाना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। तो मिलते हैं गाइज आपको नए व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।